स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे एक कोशिका अंग के बारे में और उसका नाम है लाइसोसोम। और आज का लेक्चर लाइसोसोम का इंट्रोडक्टिव पार्ट है। तो जनरल डिस्कशन आज हम लोग लाइसोसोम के बारे में करेंगे। तो कुछ बातें पहले डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, जिसमें बैक्टीरिया जीवाणुओं को सम्मिलित किया गया है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, जीवाणु की जो कोशिका है, उसमें लाइसोसोम एब्सेंट है। मतलब लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है। ये कोशिका अंग केवल यूकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट होता है। ओके, अगर हम यूकैरियोटिक सेल की भी बात करें तो जो एनिमल सेल्स हैं, जंतुओं की जो कोशिकाएं हैं, उनमें ये लाइसोसोम डोमिनेंटली प्रभावी रूप से उपस्थित होता है। नंबर दो, जो दूसरी जानकारी हम डिस्कस कर रहे हैं लाइसोसोम के बारे में, सबसे पहले एक वैज्ञानिक था क्रिश्चियन डी ड्यूवे। तो क्रिश्चियन डी ड्यूवे ने पहली बार लाइसोसोम के बारे में जानकारी दी और जिस प्रकार का कार्य ये लाइसोसोम करते हैं, उसी के आधार पर डी ड्यूवे ने इन्हें नाम दिया सुसाइडल बैग्स, आत्मघाती थैलियां। ये शब्द डी ड्यूवे के द्वारा लाइसोसोम के लिए प्रयोग में लिया गया। बाद में डी ड्यूवे ने इस संरचना को लाइसोसोम नाम दिया। ओके, तीसरी जो जानकारी हम लाइसोसोम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम लाइसोसोम की स्ट्रक्चर देखें तो लाइसोसोम एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके चारों ओर सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। यानी लाइसोसोम के चारों ओर एकल झिल्ली का एक आवरण उपस्थित होता है। तो लाइसोसोम एक ऐसे कोशिका अंग का उदाहरण है जिसके चारों ओर एक सिंगल मेम्ब्रेन एकल झिल्ली का आवरण उपस्थित होता है। अगर हम लाइसोसोम की इस मेम्ब्रेन की
स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या देखते हैं, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन में एच प्लस पंप प्रोटॉन के पंप उपस्थित है। क्या करते हैं ये पंप, ये जो प्रोटॉन के पंप है एच प्लस के जो पंप है, ये क्या करेंगे, एच प्लस आयन को साइटोसोल से लाइसोसोम के भीतर पंप करते। और होगा क्या, इसके कारण हम क्या देखते हैं कि लाइसोसोम जो है इसके भीतर का एनवायरमेंट एसिडिक एनवायरमेंट है। और अगर हम पीएच देखते हैं इसका, तो लाइसोसोम के भीतर पीएच अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 के बीच, लगभग वो वैल्यू 4.6 है। मतलब लाइसोसोम के भीतर स्ट्रॉन्ग एसिडिक एनवायरमेंट मौजूद है, और इसी स्ट्रॉन्ग एसिडिक एनवायरमेंट में लाइसोसोम के अंदर बेसिकली सेल्यूलर डाइजेशन, कोशिकीय पाचन की क्रिया होती है। तो लाइसोसोम की झिल्ली की बात की, सिंगल मेम्ब्रेन है, इसमें एच प्लस पंप प्रोटॉन के पंप उपस्थित हैं, और इनकी उपस्थिति के कारण लाइसोसोम का आंतरिक वातावरण अम्लीय एसिडिक प्रकृति का होता है। पीएच 4.6, 4 से 5 के बीच में पीएच होता है। ओके, लाइसोसोम के अंदर लगभग 40 प्रकार के एंजाइम मौजूद हैं। ये सभी एंजाइम विघटनकारी हैं, हाइड्रोलाइटिक प्रकृति के एंजाइम लाइसोसोम में होते हैं, और वो एसिडिक एनवायरमेंट में ही क्रियाशील होते हैं, इसलिए इन्हें एसिड हाइड्रोलिसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एसिड हाइड्रोलिसिस है जो लगभग 40 प्रकार के हैं। इनमें से लाइसोसोम में सर्वाधिक मात्रा में जो एंजाइम उपस्थित होता है उसका नाम है एसिड फॉस्फेटेज, और इसीलिए एसिड फॉस्फेटेज को मार्कर एंजाइम, लाइसोसोम के मार्कर एंजाइम के नाम से जाना जाता है। एक्चुअल में मार्कर एंजाइम, चिन्हक एंजाइम, वो एंजाइम है जो किसी कोशिका अंग की पहचान है, और ऐसी ही पहचान लाइसोसोम में एसिड फॉस्फेटेज की, और इसलिए एसिड फॉस्फेटेज को लाइसोसोम के मार्कर एंजाइम के रूप में जाना जाता है। अगली जो बात हम डिस्कस कर रहे हैं कि सिंगल मेम्ब्रेन एंजाइम सब लाइसोसोम की मैट्रिक्स में है, और एंजाइम केवल एसिडिक पीएच 4 से 5 जो पीएच है उसी में फंक्शनल है। मतलब ये सभी एंजाइम कोशिका से अलग बने रहते हैं, लाइसोसोम के भीतर है, यानी कोशिका का दूसरा हिस्सा इस पाचन की क्रिया से सामान्यतः पृथक बना रहता है। तो जो लाइसोसोम की सिंगल मेम्ब्रेन है
उसका एक इंपॉर्टेंट रोल लाइसोसोम की एक्टिविटी में होता है। तो दो प्रकार के पदार्थ हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो स्टेबिलाइजर्स कहलाते हैं, जबकि कुछ दूसरे प्रकार के पदार्थ हैं जो लेबिलाइजर्स कहलाते हैं। स्टेबिलाइजर्स ऐसे केमिकल हैं जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को मोर स्टेबिलिटी, ज्यादा स्थायित्व प्रदान करते हैं। जैसे विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन ई की कम कंसंट्रेशन है, ये सब स्टेबिलाइजर का काम करते हैं। यानी ऐसे अणुओं की, ऐसे सब स्टेंसेस की उपस्थिति के कारण लाइसोसोम की झिल्ली को स्थायित्व मिलता है। इसके विपरीत कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं सब स्टेंसेस जो लाइसोसोम की झिल्ली को कमजोर करते हैं, ये लेबिलाइजर्स कहलाते हैं। जैसे विटामिन ई की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, ऑक्सीजन की कमी हो, ये कुछ ऐसे सब्सटेंस फैक्टर हैं जो लाइसोसोम की झिल्ली को कमजोर करते हैं। तो दो प्रकार के सब्सटेंसेस की, फैक्टर्स की बात की, जिनका इफेक्ट लाइसोसोम की जो सिंगल मेम्ब्रेन है उस पर पड़ता है। तो स्टेबिलाइजर्स का क्या काम है, लेबिलाइजर्स का क्या काम है, ये आपने समझा। अब हम बात करेंगे जो लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम सेल्यूलर डाइजेशन, कोशिकीय पाचन का काम करते हैं। और हम ऐसा भी देखते हैं कि लाइसोसोम एक ऐसा कोशिका अंग है, हम क्या देखते हैं कि कोशिका के भीतर लाइसोसोम की स्ट्रक्चर, संरचना, आकृति, शेप, फंक्शन, कार्य, तो इन आधारों पर, यानी आकार के आधार पर, आकृति के आधार पर, कार्य के आधार पर, एक ही कोशिका में हमें अलग अलग प्रकार के लाइसोसोम दिखाई देते हैं। तो इस घटना को हम पॉलीमॉर्फिज्म, बहुरूपता के नाम से जानते हैं। मतलब लाइसोसोम एक ऐसा कोशिका अंग है जो कोशिका में पॉलीमॉर्फिज्म, बहुरूपता को प्रदर्शित करता है। तो ये एक प्लियोमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक प्रकार का कोशिका अंग है। यानी आपको एक ही कोशिका में संरचना, कार्य, उत्पत्ति, इनके आधार पर अलग अलग प्रकार के लाइसोसोम दिखाई देते हैं। तो इनके नाम दिए, लाइसोसोम की उत्पत्ति गोल्जी काय या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका से, या गोल्जी काय से मानी जाती है। तो ईआर से या गोल्जी काय से जो लाइसोसोम सबसे पहले बनता है, जिसमें एंजाइम मौजूद है, लेकिन अभी तक ये सभी एंजाइम इनएक्टिव रूप में है। यानी इस प्रकार के लाइसोसोम में
कोशिकीय पाचन की कोई क्रिया नहीं हो रही, इसे प्राथमिक लाइसोसोम प्राइमरी लाइसोसोम के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसके अलावा कोशिका में द्वितीयक लाइसोसोम भी दिखेंगे कि कोशिका की सतह पर कोई ठोस पदार्थ आया, फैगोसाइटोसिस की क्रिया हुई, पिनोसाइटोसिस की क्रिया हुई और फैगोसोम का निर्माण। ये फैगोसोम प्राथमिक लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो गए, तो अब जो एंजाइम है एसिड हाइड्रोलिसिस, वो उन फैगोसोम के जो कंटेंट है उसका पाचन करेंगे। एंजाइम एक्टिव रूप में है, तो ये जो लाइसोसोम बना प्राथमिक लाइसोसोम के फैगोसोम के साथ संलयन से इसे सेकेंडरी लाइसोसोम के नाम से जाना जाता है, इसे हेटेरोफैगोसोम कहेंगे। इसी प्रकार कोशिका का कोई भाग, कोई घटक अब कार्य नहीं कर रहा है या कोशिका का कोई भाग नष्ट हो गया है, मृत हो गया है, तो ऐसी स्थिति में लाइसोसोम उस संरचना को अपने भीतर ग्रहण करेगा। तो प्राथमिक लाइसोसोम ने संलयन किया ऑटोफैगोसोम से, उस नष्ट मृत होने वाली संरचना को अपने भीतर ग्रहण किया और बना ऑटोफैगोसोम। ये भी एक द्वितीयक लाइसोसोम का उदाहरण है। तो प्राथमिक लाइसोसोम की बात की, द्वितीयक लाइसोसोम की बात की। जब कोशिकीय पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है, पाचन कंप्लीट हो गया, और अब हम क्या देखते हैं कि एक ऐसी संरचना बनी जिसमें वो पाचक एंजाइम समाप्त हो चुके हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम नहीं है, केवल अपशिष्ट बच गया है, इसे अवशिष्ट काय, रेजिड्यूअल बॉडी या टीलोलाइसोसोम के नाम से जाना जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि एक कोशिका में लाइसोसोम प्राइमरी लाइसोसोम के रूप में हो सकते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम के रूप में हो सकते हैं, ऑटोफैगोसोम हो, हेटेरोफैगोसोम हो, या फिर वो अवशिष्ट काय टीलोलाइसोसोम के रूप में मिल सकते हैं। और इसी घटना को हम पॉलीमॉर्फिज्म लाइसोसोम में बहुरूपता के नाम से जानते हैं। कल हम बात करेंगे लाइसोसोम के फंक्शंस, आखिर लाइसोसोम कोशिका में कौन से महत्वपूर्ण कार्य करता है, वो कार्य कौन से हैं, वो क्यों महत्वपूर्ण है कार्य, लाइसोसोम के क्या रूपांतरण हैं, इन सब पे कल बात करेंगे। तो आज का लेक्चर जो था लाइसोसोम का इंट्रोडक्टिव पार्ट, हिस्ट्री की बात की हमने, खोज के बारे में पता किया, डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, कौन से जीवों में, कौन सी कोशिकाओं में लाइसोसोम मिलते हैं वो बात की, लाइसोसोम की स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, उसके मार्कर एंजाइम, उसके एंजाइमों की बात की, और फिर लाइसोसोम में बहुरूपता की आज बात की। तो आई होप आज का जो लेक्चर था आपको समझ में आ गया होगा। कल हम लोग बात करेंगे लाइसोसोम के डिफरेंट फंक्शंस, क्या काम वो करता है, और लाइसोसोम के कुछ मॉडिफिकेशन रूपांतरण, उनकी हम बात करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करें,
कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।